Good evening to everyone here assembled for the PC here post camp press conference. So alhamdulillah हमने जो है फ्री मेगा हेल्थ कैंप का जो इनेखाद किया था यहाँ मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पिलर नंबर 254 राजेंद्र नगर हैदराबाद में, तो ये कैंप का आगाज़ 19 फरवरी से हुआ था और ये 24 फरवरी को शाम को इख्तिताम को पहुँचा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तवक्कु से ज़्यादा कसीर तदाद में पेशेंट्स इस कैंप से इस्तिफादा हासिल किए। तकरीबन जो है आज शाम तक जो है 12,000 से ज़ायद मरीज़ों ने हमारे हॉस्पिटल को विज़िट किया, अपना रजिस्ट्रेशन करवाया और मुख्तलिफ शोबे हयात में जाके यहाँ पर हमारे हॉस्पिटल में 26 डिपार्टमेंट मौजूद हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स जैसे मसलन जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, OBG, ऑफ्थेल्मोलॉजी, ऐसे 26 डिपार्टमेंट्स हैं। सारे डिपार्टमेंट्स में पेशेंट्स ने विज़िट करके अपने कंसल्टेशन करवाया और जो है अपनी ब्लड टेस्ट करवाए और जो है फ्री जो है मेडिसिन भी हासिल किए और उससे इस्तेफादा हासिल किया। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट दिन यानी आज जो है सैटरडे का दिन 24 तारीख को जो है तकरीबन 3,000 से ज़ायद मरीज़ों ने हॉस्पिटल आकर आपकी इत्तला के लिए मैं ये बता दूं कि नंबर ऑफ ब्लड सैंपल्स जो टेस्टिंग के लिए गए हैं, तो जो पेशेंट्स के ब्लड सैंपल्स विड्रॉ किए थे टेस्टिंग के लिए वो है 9,000 ब्लड सैंपल्स का टेस्ट किया गया और फ्री ECGs भी किए गए। तकरीबन 600 मरीजों को जो है फ्री ECG किया गया, तकरीबन 300 लोगों को फ्री 2D को किया गया और अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग हामिला ख्वातीन ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में 6 दिनों में तकरीबन 2,500 ख्वातीन ने विज़िट कर का अपना कंसल्टेशन करवाया, तकरीबन जिसमें जो है 30% लोग जो है हामिला ख्वातीन थे और उन मरीज़ों को उन ख्वातीन को जो है तकरीबन 500 से ज़ायद ख्वातीन हामिला ख्वातीन का जो है हमने फ्री अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग किया। और जहाँ तक ऑफ्थल्मोलॉजी का सवाल है, ऑफ्थल्मोलॉजी में जुमला 6 रोज़ में हमने 5,500 से ज़ायद मरीज़ों का मुआयना किया और तकरीबन 2,500 पेशेंटों को फ्री आनकें फराहम की गई और तकरीबन 100 से ज़ायद मरीज़ों का जो है मोतियाबंद का ऑपरेशन ऑलरेडी हो चुका है और ऑलरेडी फिर और 200 लोग जो है वेटिंग में है। इन लोगों को इंतहाई कम शरह पर हम ऑपरेशन कर रहे हैं। जिस दिन से कैंप का आगाज़ हुआ उस दिन से लेकर आज तक 6 दिन में 100 से ज़ायद मरीज़ों का ऑलरेडी ऑपरेशन हो चुका है जो कैंप में आ चुके थे, और भी 200 लोग वेटिंग में हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में कम शरह पर रियायत में उनका ऑपरेशन किया जाएगा इंशाल्लाह। और इसके अलावा जो है पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में भी जो है ना 2,500 बच्चों का मुआयना किया गया, उनके भी मुख्तलिफ टेस्ट वगैरह किए गए और डर्मेटोलॉजी और डेंटल डिपार्टमेंट में भी 1,000-1,000 से ज़ायद पेशेंट्स ने इस्तिफादा हासिल किया। ENT में तकरीबन 600 मरीज़ों ने अपने कान आँख नाक का टेस्ट करवाया, हलक का टेस्ट करवाया और वहाँ पर भी अपने इलाज करवाए। सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स में जो है यूरोलॉजी में भी काफ़ी मरीज आए, गुर्दे में कंकरी, मसानों का बढ़ जाना, पेशाब का रुक के आना, ऐसे कई किस्म के अमराज में जो मुब्तला पेशेंट्स थे वो डॉक्टर खिजर रऊफ से जो है वो मुआयना करवाए और उनको मुफीद मशवरे दिए गए और ऑपरेशन के भी मशवरे दिए गए हैं। और एक बात काबिल तवज्जो है कि यहाँ पर हम तवक्कु नहीं करे थे, लेकिन ये तवक्कु से ज़्यादा मरीज़ किसी डिपार्टमेंट में आए हैं तो वो है ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट। डॉक्टर रोशुद्दीन है, डॉक्टर रोशुद्दीन ने जो है पार्ट काफ़ी मेहनत की, तकरीबन 2,500 मरीज़ों का जो है ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट में मुआयना किया गया, उनके एक्सरे किए गए और जो है जिनके घुटनों में दर्द था उनके घुटनों में और जॉइंट्स में इंजेक्शंस वगैरह भी लगाए गए और कई लोगों को जो है ऑपरेशन के लिए भी मशवरा दिया गया। और कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में भी तकरीबन 1,000 से ज़ायद मरीज़ों ने विज़िट किया और मैं जैसे भाई बताया
600 मरीजों का ईसीजी और 300 मरीजों का टूडी को फ्री किया गया। इवन माहिर नफ्सियात यानी साइकियाट्री डिपार्टमेंट में भी तकरीबन 500 लोगों को जो है मुआयना किया गया और उनका इलाज किया गया। जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट जो जनरल मेडिसिन जो है जो आम बीमारियों का वो डिपार्टमेंट है उसमें काफ़ी ज़्यादा तादाद में मरीजों ने इस्तेफादा हासिल किया। तकरीबन 3000 मरीज ने जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट को विज़िट किया। जनरल सर्जरी में भी जो है मुख्तलिफ सर्जिकल केसेस भी विज़िट करे, तकरीबन 1500 पेशेंट्स ने इस्तेफादा हासिल किया और काफ़ी बच्चों की खतनाएँ जो हैं यहाँ पर की गई हैं कैम्प के दौरान। अल्हम्दुलिल्लाह इस कैम्प के इनेखाद में काफ़ी टीमों ने काम किया, उसमें सबसे अहम तरीन टीम जो है पीछे मेरे जो खड़े हैं जो नर्सिंग स्टाफ और सपोर्ट स्टाफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो खड़े हैं वो लोगों ने ऐसे डट के काम किया 6 दिन के मरीजों को बिला तकलीफ बिला इसके जो है ऐसा अच्छा उसको स्ट्रीमलाइन करते हुए हर डिपार्टमेंट को स्ट्रीमलाइन करते हुए डिपार्टमेंट वाइज कमिटीज़ बनाए गए थे। इसमें ये नर्सिंग स्टूडेंट्स को डिवाइड किया गया था, हर कमेटी का एक इंचार्ज था, तो वो सारे कमेटीज अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ जो है ना बेहतरीन तरीके से काम करते हुए मरीज को बग़ैर तकलीफ के रजिस्ट्रेशन से लेकर डॉक्टर तक पहुंचाना, डॉक्टर से फिर लैब को पहुंचाना, फिर लैब से जो है फिर मेडिसिन फार्मेसी तक पहुँचाना, फिर उनके दूसरे दिन आए तो फिर रिपोर्ट्स कलेक्ट करके उनको देना, फिर एक बार रिविजिट कराना, ये सारी चीज़ों को जोड़े बड़ी एफिशिएंसी के साथ इन्होंने अंजाम दिया। मैं तहे दिल से जो है हर एक फर्द का डॉक्टर्स कंसल्टेंट्स जो थे, डॉक्टर्स सपोर्टिंग डॉक्टर्स जो थे, जो ड्यूटी डॉक्टर्स थे, जो नर्सेस और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ और जो मेंटेनेंस में भी काफ़ी लोग हमारे थे, जिसमें मेन जो है नसरुल्लाह खान, अहमदुल्ला खान साहब। और हम ये एक्सपेक्ट नहीं करे थे कि हमारा एक कैंप इतना शानदार से होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम एक्सपेक्ट करे थे कुछ 4000 या 5000 आएंगे और वो अगर उतने भी अगर रीच हो गए तो हम खुशनसीब है और अल्लाह ताला हमारे से एक काम लिया, ऐसा हम खुशनसीब समझते थे। लेकिन ऐसा हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 12,000 लोग जो है ना इसका फ़ायदा उठाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 12,000, इट्स नॉट ए क्या बोलते हैं उसको, अगर आप सोचेंगे अगर 6000 के लोगों को भी अगर हम खिदमत करेंगे ना तो वही बहुत लोड हो जाएगा, लेकिन 12,000 से ज़ायद लोग ने इसका फ़ायदा उठाया। और इसमें और खुश नसीबी की बात अल्लाह ताला हमारे से ये काम लिया है कि कई नए जो पेशेंट्स थे जिनको डायबिटीज़ की मरीज़ उनको मालूम ये था अगर उनको मालूम नहीं था, ऐसे डायबिटीज़ पेशेंट्स, ऐसे हाइपरटेंसिव पेशेंट्स और ऐसे ऑफ्थाल्मिक पेशेंट, ऐसे गैस्ट्रो पेशेंट, ऐसे कई पेशेंट्स जिनको उनको कहते हैं डिनोरो हाइपरटेंशन, डिनोरो डायबिटिक जो है ना, ऐसे कई लोग जो है ना उनको पता चलने से बहुत हैरान रह गए थे, उनको हिम्मत भी दिए और उनको ट्रीटमेंट भी दिया और फ्री का ट्रीटमेंट अल्हम्दुलिल्लाह, इलाज भी फ्री और लैब टेस्ट भी फ्री और उनके लिए खाना भी फ्री रखें और दोपहर में जितने लोग आते थे उनके लिए खाने का इंतज़ाम भी था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशनसीब है हम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमारे से ये काम लिया है और हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे 6000, लेकिन 6000 नहीं बल्कि उसका डबल 12,000 से 12,000 से ज़ायद लोग आकर इसका फ़ायदा उठाएं। और जितने भी टीम यहाँ पर मौजूद है, ब्रदर्स हो या सिस्टर्स हो और डॉक्टर्स हो, सबके लिए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि उनके सेहतों में इजाफा हयात दे और उनके घर में खुशियाँ दे और जहाँ पर भी यहाँ पर इतने लोग काम कर रहे हैं अल्लाह ताला उनको घर में भी बरकतें दे और बहुत सारे लोग बहुत अच्छी खिदमत दिए हैं और आप भी उनके लिए दुआ करें। जज़ाकअल्लाह खैर। और ओपी रजिस्ट्रेशन और ओपी कार्ड बनाकर लेकर गए थे वो अपने पास सेफली रखें, क्योंकि हम जो एक्सपेक्ट करें वो 5000 था या 6000 था और उससे डबल पेशेंट्स आकर रजिस्टर करा लिए, तो इसमें हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा सबको हर एक को कार्ड देने के लिए, तो वो कार्ड्स अपने पास सेफली रखें और जितने लोगों के पास वो कार्ड पहुंचा है उन सब के लिए हम इंशाल्लाह ताला सबके लिए कार्ड बना कर देंगे और उसमें बिलिंग में 20%, लैब में 10%, ऐसा फार्मेसी में 5%, जो जो भी उसमें हम लिख कर दिए हैं वो इंशाल्लाह वो कंपलसरी उससे में अप्लाई करेंगे, लेकिन टाइम लगेगा क्योंकि हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे 6000 के अंदर था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 12,000 से ज़्यादा है, हम ऐसा एस्टिमेशन 12,000 बता रहे हैं लेकिन 12,000 से भी ज़्यादा है, तो ज़रा सा सब्र करें और इंशाल्लाह ये कार्ड जो जो भी पहुँचे सबको इंशाल्लाह मिल जाएगा। वेल ऑर्थोपेडिक्स, तो जैसा आपको सेंसस किया सेंसस बोला गया था कि
12,000 से भी ज़ायद पेशेंट यहाँ पर अपने चेकअप के लिए आए थे, जिसमें से तकरीबन 4,000 मेरे खुद के पेशेंट्स थे अल्हम्दुलिल्लाह। एंड सबको सिंगल हैंडेडली अल्हम्दुलिल्लाह विद अ बिट ऑफ हेल्प फ्रॉम द टेक्निकल स्टाफ एंड शकीब सर एंड एवरीवन, वी कुड अचीव इट एक्चुअली। एंड क्योंकि सर डायबिटीज़ की बात कर रहे थे, एक्चुअली हमारे मतलब ऑर्थोपेडिक्स में भी ऐसे कुछ पेशेंट्स आए जहाँ पे उनको नहीं मालूम था कि वो किस चीज़ से सफ़र कर रहे थे, जिसमें से एक पेशेंट, एक लेडी पेशेंट जो है, उनको एक सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर था जिसका उनको अब तक अंदाज़ा भी नहीं था। एंड अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डायग्नोसिस के वजह से एंड डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ के वजह से वो उस नतीजे तक पहुँचे कि वो मतलब रियलाइज़ करें कि उनको ये ट्यूमर हुआ है, सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर। सिमिलरली ऑर्थोपेडिक्स इज़ ऑल अबाउट यू नो ब्रॉड स्पेशलिटीज़ like pediatrics, spine, arthroscopy, arthroplasty, infections and everything. Alhamdulillah, I received patient from all these broad specialties. So, I even aisa nahi hai ki main bahut you know kya samajhdar hu ya I'm a very big doctor, but even you learn with from your patients as well. So ye camp was an opportunity for me to improve myself, develop myself. I'm thankful to Hidayatullah Khan sir, alhamdulillah, for such a terrific opportunity. Main itne camps attend kara मगर इतना बड़ा कैंप कभी अटेंड नहीं करा। एंड एक्चुअली देर वॉज अ टाइम, इनफैक्ट देर इज अ टाइम आई एम स्टिल नॉट फीलिंग वेल, बट इट वॉज शकीब सर एंकरेजमेंट एंड हिदायतुल्लाह खान सर सपोर्ट दैट केप्ट मी स्टैंडिंग एंड फेसिंग दिस कैंप एंड एवरी पेशेंट। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम रेडी विद माई लिस्ट ऑफ ऑल द इन पेशेंट्स दैट विल बी इन द फ्यूचर इंशाल्लाह। एंड वी विल बी वेरी सून पोस्टिंग इलेक्टिव केसेस ऑफ ऑर्थोपेडिक्स हियर सून। एंड थैंक यू। 25% के करीब लोग हैं, अतराफ़ के अजला वगैरह से भी आए थे, या कुछ पेशेंट्स तो इवन कर्नाटका से भी आए थे, बीदर, गुलबर्गा एंड रायचूर, क्योंकि ये यहाँ की न्यूज़ वहाँ तक जाती है, हैदराबाद कर्नाटका रीजन जिसको बोलते हैं, उस रीजन से भी जो है काफ़ी मरीज़ आए थे। और हम लोग जो आउट स्टेशन से जो पेशेंट आए थे उनका ख़ास ख्याल रखते हुए ये देखा कि उनको जो है उन्होंने जिस वजह से आए हैं उस डिपार्टमेंट में कंसल्टेशन होके उनका काम हो जाए। तकरीबन जैसे मैं शुरू से ही बता रहा हूँ इस बात को कि कोविड के बाद जो है अब हम लोगों की सेहत का जो प्रोफाइल जो होता है वो बदल चुका है, तो हम इस कैंप में भी हमारे को उस चीज़ को देखने को मिला, तो काफ़ी तकरीबन ये बोल सकते कि 100 में एक 5 मरीज़ 5 जो उनको बीमारी के बारे में पहली मरतबा पता चल रहा था वो बीमारी है शुगर। शुगर जो है कई लोगों को पता भी नहीं था कि उन्होंने शुगर से मुतासिर है, तो अपने कम से कम 3-3, 6-6 महीने से वो ऑलरेडी डायबिटिक हो चुके थे, उनको डिटेक्ट हुआ। और कई लोगों को जो है ब्लड प्रेशर डिटेक्ट हुआ यहाँ पर, और कई लोगों को जो है दूसरे अमराज के बारे में मालूम पड़ा कि खासकर ये यूरोलॉजी में और नेफ्रोलॉजी में भी जो है काफ़ी, तो आने वाले 3-4 महीने में कभी भी हॉस्पिटल पहुंचकर उस कार्ड को, प्लास्टिक कार्ड को बनवा कर अपने पास महफूज रख सकते हैं उसका।